इस्लामिक लॉ में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है जो हमें अलग से ये बताए कि दीज आर द प्राइवेट राइट्स एंड दैट आर द पब्लिक राइट्स, बट इन शेप ऑफ कुरान पाक वी हैव गाइडलाइंस इन विच वी आर वेरी क्लियर कि भाई हमें किसी के राइट्स की वायलेशन नहीं करनी, और राइट्स की भी जो है ना हदूद मुकर्रर है। देखें इस्लाम के अंदर एक कहा गया है कि अल्लाह ताला ने कुछ हदूद मुकर्रर की है ना, हुदूदुल्लाह कहा जाता है उनको। हुदूदुल्लाह जो है वो आपने हद क्या कहते हैं इसको, हुदूद ऑर्डिनेंस भी सुना होगा ना। अच्छा ये हुदूद ऑर्डिनेंस क्या चीज है? ये अल्लाह ताला की हदें क्रॉस करना है, या जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए एक बाउंड्रीज बनाई हुई है कि जनाब आपकी जो आपने अपने अमाल को इस हद के अंदर रखना है, उन हदों को क्रॉस करके और किसी और के राइट्स को वायोलेट करने से जो सिचुएशन पैदा होती है उसे हम कहते हैं क्राइम। असल में क्राइम की क्या एक कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इट इज अ वायलेशन ऑफ लॉ। अब वो वायलेशन ऑफ लॉ जो भी किसी भी स्टेट का जो भी कानून है उसकी जो भी वायलेशन होगी उसे हम क्राइम कहते हैं। और इस्लाम के अंदर क्या है कि हुदूदुल्लाह यानी अल्लाह ने जो हदें बताई हैं इंसान को उसको क्रॉस करने का नाम जो है वो क्राइम है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब अल्लाह की हदें क्या हैं? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्लियरली बताया है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं, आपको जो है जिना से बचना है, शराब नहीं पीनी है, और चोरी नहीं करनी है, किसी और के माल को जो है गसब नहीं करना है, चोरी की सजा बताई। और उसके बाद हरब्बा जो है उसके अंदर आता है डकैती, डकैती जिसे हम आजकल कहते हैं। ठीक है, हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर जो है हमारे पास और कज़फ है कि किसी पर झूठा इल्ज़ाम या बहतान नहीं लगाना है, क्योंकि किसी की भी हर इंसान की एक हुरमत है। अल्लाह ताला ने ये कहा है कुरान पाक में कि हर जान की एक हुरमत है। ठीक है, तो जब किसी की आप हुरमत को टच करेंगे, वो भी इलीगली जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है या झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे, तो उसके लिए जो सजाएं बताई हैं उसको कज़फ में वो बताई हैं। तो ये सारे कवानीन हैं जो इस्लामिक लॉ के अंदर बताए गए हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह की हदें क्रॉस करेगा तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकते हैं इस दुनिया के अंदर। अब वो हदें क्या है? हदें जो मुकर्रर की हैं अल्लाह ताला ने वो पब्लिक और प्राइवेट राइट से रिलेटेड है। पब्लिक ट्रैंक्वालिटी जो है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है पब्लिक प्लेस पे जाकर या कहीं से भी कोई चोरी कर लेता है, किसी का किसके माल को जो है वो उससे छीन लेता है या किसी की जान ले लेता है, तो दीज आर द पब्लिक राइट्स के लोगों को, लोग आपसे महफूज हों, आपके हाथ से, आपकी जुबान से, आपके कामों से लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये पब्लिक का राइट है कि आप जो है उनके किसी भी चीज को इलीगली जा करके उसको टच ना करें या उसको आप जो है नुकसान ना पहुंचाएं। तो अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह ने अपनी हदें मुकर्रर की हैं, उनको हम हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत वो गवर्न होता है। यानी अल्लाह ताला ने अपने राइट्स जो, देखिए मैंने आपको कहा था दो किस्म के हुकूक हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। अल्लाह की हदों का तब जो अल्लाह ने तायुन किया है उनकी अगर खिलाफ वर्जी वर्ल्ड में की जाएगी इस दुनिया के अंदर, ठीक है, तो उसकी जो सजा है वो इस दुनिया के अंदर ही दी जाएगी। तो उससे क्या हो रहा है कि वो आप इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हुकूकुल्लाह के अंदर अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे तो वो मैटर आपका डे ऑफ जजमेंट पे रखा हुआ, उसके लिए अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को कोई हक नहीं दिया कि वो उसमें बोले। अल्लाह ताला ने कहा वो मेरा मसला है, मैं खुद देखूंगा, बंदे से खुद हिसाब। लेकिन जब आप किसी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके राइट्स की वायलेशन करते हैं, तो उस वक्त जो है वो फिर यहाँ का जो कानून है, यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने अपनी हदें मुकर्रर की हैं, जो उनकी सजाएं भी बताई हैं कुरान पाक में, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम सियासा शरिया कहते हैं या लॉ ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप उसके अंदर फिर डिटेल में जब आप जाएंगे तो पढ़ेंगे कि उसके अंदर कुछ शराइत हैं कि कुछ ये वाले जो एक्ट्स हैं वो इसमें नहीं आते, वो एक्ट्स उसमें नहीं आते। उसके अंदर फिर एक कुछ हदूद बताई गई है कि अगर चोरी की जाए वो कितने अमाउंट की होगी, तो वो उसके ऊपर हदूद ऑर्डिनेंस लागू होगी वरना नहीं होगी। जैसे एक 4 पॉइंट यानी 4 ग्राम और कुछ इशारिया 4.7 ग्राम अगर गोल्ड है उसके उसकी अमाउंट के बराबर अगर जो चोरी होगी या उसमें जो डकैती होगी वो अमाउंट जो है वो
उसके ऊपर हद लागू होगी, उससे कम अमाउंट के ऊपर हद लागू नहीं होगी। और फिर उसमें लिखा है कोई शख्स अगर भूख की वजह से चोरी करेगा तो हद लागू नहीं होगी, अगर कोई बेटा अपने बाप के माल में से कुछ उठा लेगा तो हद लागू नहीं होगी, मदर के माँ के अपने माँ बाल में से या माँ अपने बच्चे के माल से उठाएगी तो हद लागू नहीं होगी, इस तरह से लिखा हुआ है उसमें, मतलब पूरी कंडीशन है उसमें। तो पब्लिक और प्राइवेट राइट्स के अंदर हमें सिर्फ क्लियरली जो इंडिकेशंस मिलती है कुरानिक लॉ में वो ये है कि हमें जो है अपनी अल्लाह ताला की बताई हुई जो हुदूद है उनको फॉलो करना है, और किसी भी इंसान को जो है वो जा करके उसके राइट्स को हमने वायलेट नहीं करना है, ठीक है ना। राइट्स को अगर हमने वायलेट किया तो फिर वो जो है उसके ऊपर हद लागू हो जाएगी। अच्छा, ये इसका जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलग से हमारे पास कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, हमें कुरानिक वर्सेस से जो हिदायत मिलती हैं, जो एक रहनुमाई मिलती है, उसकी रोशनी में जो है मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत आपको थोड़ा क्लियर किया था, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा, अब हमारा एक टॉपिक सिर्फ ओनरशिप का है, वो अगले हफ्ते के अंदर है, हमारे दो हफ्ते बचे हैं, ठीक है। आप लोगों को ये बात जहन में होगी कि 16 वीक्स का हमारा कोर्स रहा हुआ था जो हमने कवर करना था, अदरवाइज हम कवर कर चुके थे। तो अब हमारे पास क्योंकि दो हफ्ते बचे हैं, एक हफ्ता तो ये है और एक अगला हफ्ता है, नहीं इसी के अंदर हमारी जो है वो रिपीटेशन की क्लास भी होगी। जी जी, थोड़ा कम लेके आया, थोड़ा कम है, ज्यादा कम नहीं। हेलो, कुछ कह रहे थे क्या आपको? जी खाली रहते, आवाज समझ में नहीं आई आप में से किसी को? अच्छा, अगर किसी को कुछ समझना चाहते हैं कोई तो अपना आप टॉपिक बता दें, या फिर आप अपने जो है वो चैट में लिख दें तो मैं देख लेती हूँ कि चैट में अगर आपने कोई टॉपिक लिखे हुए होंगे तो मैं आपको आंसर कर दूंगी उसका। जी, आप में से किसी को टॉपिक समझता है तो बताएं अपने इस्लामिक लॉ में से, इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस का अगर कोई टॉपिक समझता हो, क्योंकि हमने अपने जो टॉपिक्स हैं वो आज तक के हफ्ते के वो हमने कवर कर लिए। अच्छा, एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ व्यू से ये है कि कुछ एमसीक्यूज वगैरह जो है वो डाउनलोड किए थे मैंने। वैसे तो आप लोग खुद भी अपने तौर पर एमसीक्यूज डाउनलोड कर सकते हैं, नेट के ऊपर अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपके सीआर को भेज दूंगी, ईमेल कर दूंगी या फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, दोनों तरीकों से। वसीम आप मौजूद है? वसीम नहीं है। अच्छा, वसीम निकाल, इंटरनेट प्रॉब्लम है। नो मैम, वसीम नहीं है मैम, तो सारिका आप एक काम कीजिए, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप वाला, आप एक काम करें उसके ऊपर आप अपनी ईमेल भेज दें तो मैं आपको जो है वो जो कुछ हम लोगों ने कुछ मैंने जो डाउनलोड किए हैं एमसीक्यूज वगैरह वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, और कुछ आप अपने तौर पे भी बना लें अपने टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि थोड़ा मुझे ऐसा अंदाजा हुआ है जो अब तक की हमारी एग्जामिनेशन कमेटी वगैरह की जो मीटिंग्स हुई है उसके मुताबिक कि शायद आप लोगों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट आंसर की शक्ल में लिया जाएगा। शॉर्ट आंसर मीन्स दो लाइनों का या तीन लाइनों का जवाब हो, उस तरह से। अगर ऐसी कोई पोजिशन बनती है थोड़ी आप लोग तैयारी शुरू कर दें अभी से, हमारा जो ये जुलाई है इसके आखिरी हफ्ते में आपका एग्जाम दिया जाएगा फाइनल टेस्ट, क्योंकि बहरहाल हमें अगस्त के अंदर जो है वो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करवाना है, ठीक है। तो अब आप एक काम करेंगे, मुझे बेटा आप अपना शेयर कर दीजिएगा तो मैं आपको एमसीक्यू भेज दूंगी, फिर आपको तैयारी। जी एग्जाम की बात कर रही हूँ, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, तो उसमें जो अभी तक डिस्कशन हुई है वो ये है कि शायद एमसीक्यू टाइप का होगा। आई एम नॉट कन्फर्म, मैं कन्फर्म नहीं कि मैं आपको कहूँ कि नहीं एमसीक्यू ही होगा, कुछ पता नहीं, शॉर्ट आंसर की शक्ल में भी आपके जो है वो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो एक काम करें कि आप लोग तैयारी शुरू कर दें, और मैंने यही कहा था कि आज के डेट के लिए पिछली क्लास में कि बेटा आप अपने तौर पर वो टॉपिक्स अगर आपको नहीं समझ आ रहा आप ले आइएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तक किसी ने भी मुझे कोई टॉपिक लिखकर शेयर नहीं किया, एक मैसेज आए हुए देखती हूँ मैं आपके चैट्स के अंदर। लिखा हुआ है कि भाई कोर्स बहुत हो जाता है, कवर करने में मुश्किल दरपेश आ रही है। भाई अब वो तो एक अलग बात है ना, करना तो है नहीं, स्टूडेंट सारे बेटा ऐड हो रहे हैं, मैंने कोई क्लासरूम को लॉक नहीं किया हुआ और अलाउ किया हुआ है सबको,
ठीक है सबको, मैंने सबको ऐड किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है सबको तकरीबन, कोई भी ऐसा नहीं है स्टूडेंट जिसको मैंने अलाउ ना किया हो। जी जी वालेकुम सलाम मैम, ये क्या से जाली और क्या से खाफी का डिफरेंस प्लीज बता दें। क्या से जाली और क्या से खाफी का डिफरेंस? अच्छा ये जो क्या से जाली है, ये क्या से जाली और क्या से खाफी में ये डिफरेंस है कि जनाब एक जो है एनालॉजी है वो हिडन ऑन एनालॉजी है, यानी कि एक ऐसा इसके अंदर देखें, एक हमारे पास जो है सिलेबस की डिटेल, नवाजिश आपने सिलेबस की डिटेल की बात की है बेटा, सिलेबस आपका जो है वो आपके ये जो कोर्स आउटलाइन है आपके इसके ऊपर एलएम इसके ऊपर पूरा मौजूद है, ठीक है कोर्स आउटलाइन आपको मेरी तरफ से मिलने की कोई उसमें वो नहीं है जरूरत आपके मैं, पास मैम पोर्टल हमारा मैम इंप्रूव्स का पोर्टल नहीं खुल रहा ना मैम, वो फिफ्थ सेमेस्टर से कनेक्ट हो रहा है ना मैम, तो इसीलिए हमारा सिलेबस आएगा मैम। हां तो फर्स्ट सेमेस्टर तक तकरीबन जो आपका टोटल कोर्स आउटलाइन है आपकी वो आपकी नेट पर एलएमएस के ऊपर मौजूद है, आप वहां से ले लें, वही है सेम उसी में से आपका पेपर होगा। एलएमएस नहीं मैम, एलएमएस हमारा नहीं चल रहा मैम, एलएमएस का प्रॉब्लम इंप्रूवर्स का सारों का। अच्छा अगर आपका एलएमएस का कोई इशू आ रहा है तो आप एक काम करें ना, किसी दोस्त के पास आपके पास वो आपको पिक शेयर कर दे, या फिर आप मुझे आपकी जो सीआर का आप मिलेगा ना मुझे ईमेल दोस्तों पर, मैं कोर्स आउटलाइन आपको एक काम करूंगी ईमेल कर दूंगी, ये कर लेंगे। थैंक यू ओके। अच्छा अभी हम लोग जो है वो कयास से खाफी और क्या से जाली में किसी ने डिफरेंस पूछा था, तो मैं पहले आप लोगों के लिए वो इसको ओपन कर देती हूँ जो हमारे पास कयास के लिए इससे रिलेटेड हमारी जो प्रेजेंटेशन थी ना उसके अंदर आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी, तो उसके अंदर उसकी टाइप्स और डिफरेंस वगैरह लिखा होगा, तो उसके अंदर से हम पढ़ लेते हैं। कयास और जिम्मा हमने पढ़ा था तो उसकी एक हमने हमारे पास अलग से प्रेजेंटेशन मिल गई है, शेयर कर लेते हैं। अच्छा कयास के अंदर हमने देखा था कि हम दो चीजों को जो है एक साथ हम जो है वो कंपेयर करके भाई किसी को अपने घर में बात करनी है तो आप अपने माइक को म्यूट कर लेना, मैंने सबको म्यूट कर दिया ठीक है कि आपकी बातें फिर हमें भी सुनाई दे रही है। आप लोग ये सारी प्रेजेंटेशंस आपकी उस पे एलएमएस पे मौजूद है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, आपको वहां से मिल जाएंगी सारी की सारी। अब आ गया ये हमारे पास किजमा और ये आ गया स्क्रीन, तो सबके पास हो रही है ना शेयर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस मैम शेयर हो रही है। यस मैम इसके अंदर नहीं है, कहां है इसमें टाइप्स नहीं। अच्छा हम फिर उसमें से देख लेते हैं ना, हमारे पास जो किताब है किताब में से निकाल के फिर मैं आपको डिस्कस करती हूँ, ताकि असल में आपके पास लिखा हुआ भी हो, ये वाली प्रेजेंटेशन के अंदर डिफरेंस नहीं लिखा हुआ। अच्छा इसके अंदर डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो कयास से जाली है उसके अंदर जो है वो हिडन एनालॉजी है, और कयास से खाफी के अंदर क्लियर एनालॉजी। एक तो देखें वो हो गया कि बिल्कुल ही सेम एज इट इज मिलता जुलता, आपको अगर कोई केस मिल जाता है फिर आप उसे कंपेयर कर लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम लोगों ने तीन चार एग्जाम्पल्स जो ली थी उसके अंदर क्या था कि बिल्कुल हमारा जो केस था वो बिल्कुल मैच हो रहा था एक एज इट इज, बिल्कुल जो है हमारे पास एक ओपिन जो है वो, जैसे मिसाल के तौर पर हमने अगर खमर का लिया था यानी शराब की एक जो है वो ली थी मिसाल, उसके अंदर भी यही था कि हमारे पास जो शराब जो थी वो बिल्कुल उसका मिलता जुलता हमारे पास केस मौजूद था, तो हमने उसको जो है वो पढ़ा और हमें आराम से उसमें मिल गया था ये। और दूसरी हमने जो एक ली थी कि जनाब अगर कोई शख्स कत्ल कर देता है किसी जो है ऐसे बंदे को जिससे उसको जो है वो मिलनी है प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उसके उससे जो रिलेटेड हमने एक पढ़ी थी मिसाल वो भी बिल्कुल मिलती जुलती थी। और उसके अलावा जो हमारे पास
हमने 3 से 4 तकरीबन जो है वो मिसालें पढ़ी थी। अच्छा ये शेयर, ये वाली शेयर नहीं हो रही थी, मैंने किया नहीं, इसको मैं शेयर और इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसा मैटर आ जाता है जो बिल्कुल जिसको हमने जो है वो थोड़ा सा हद से ज्यादा उसके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ते हैं और उसकी जो एनालॉजी वो हिडन है। अच्छा जो हमारे पास हिडन एनालॉजी है वो है क्या से जाली के अंदर और क्या से खाफी के अंदर हमारे पास जो था वो ओपिन एनालॉजी थी और बिल्कुल मैच हो रही थी। एलिमेंट्स ऑफ क्या हमने पढ़ लिए थे, एग्जाम्पल्स थी फिर मैम क्या से जाली की कोई एग्जांपल होगी? क्या से जाली की बिल्कुल एग्जांपल है ना हमारे पास, हमने वो जो एक डिस्कस किया था इसमें आपकी किताब में भी है शायद, इसमें जो है ना एक बुक में आपकी निकाल लेते हैं उसमें से मैं आपको बताती हूं तो आपके पास बुक होगी तो ज्यादा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं हमारे पास जो है ये पेज नंबर मैं आपको अपनी वाली किताब का भी बता देती हूँ फिर आप अपना लेंगे। मेरी किताब में तो ये इसका पेज नंबर था, बल्कि है इसका पेज नंबर 172। क्या से जाली और क्या से काफी में सिर्फ इतना फर्क है कि एक के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ रहे हैं और उसमें हिडन एनालॉजी है और एक के अंदर जो है वो बिल्कुल क्लियर हमें मिसाल मिल जाती है और हमारे साथ मैचिंग हमारे पास जो एक केस मौजूद होता है उसके साथ हम उसको कंपेयर कर लेते हैं और उसके साथ जो है हम आराम से उसको डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर हमारे पास देखें ये जो है क्लासिफिकेशन में जो है क्लासिफिकेशन में भी लिखा हुआ है क्या से जाली एंड क्या से खाफी और मैनिफेस्ट एंड कंसील्ड एनालॉजी। क्या से जाली मैनिफेस्ट टू मीन एनालॉजी फॉर विच द अंडरलाइंग काज इज मोर और लेस अपेरेंट और कैन बी डिस्कवर्ड विद अ रिलेटिव केस रिलेटिव ईज वेयर द कंसील्ड एनालॉजी क्या से खाफी इला इज लेस अपेरेंट एंड द जूरिस्ट हैज टू एक्सपेंड द कंसीडरेशन एफर्ट्स टू डिस्कवर इट इन रियलिटी दिस इज नॉट एन एनालॉजी। यानी ऐसा केस जो कि बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है और हमें उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है और आर्ग्यू करना पड़ता है इस्लाम को नरम बनाने के लिए या उसके जो रूल्स हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए जो है ये कयास जो है वो काफी को इसके शान जो हमने पढ़ा था इसके शान के अंदर उसको जो है इम्पोर्टेंस दी गई है कयास जाली के ऊपर। कयास जाली में क्या था ये सारे जो केसेस हैं वो तकरीबन मिलते जुलते थे। अच्छा मैंने आपको जरा शुरू में थोड़ा सा मेरा ख्याल उल्टा बता दिया तो हम डिस्कस कर रहे थे मेरा ध्यान जरा इधर प्रेजेंटेशन टफ लगा हुआ। अच्छा क्या से जाली जो हमारे पास है वो है बिल्कुल क्लियर केस और जो क्या से खाफी है वो कंसीड एनालॉजी। तो ये जो अपेरेंट केस है सारे के सारे शुरू वाले वो सारे के सारे हमारे हो गए क्या से जाली के और ये जो आखिर के दो केस है 3 और 4 जिसमें एग्जांपल्स हैं ये पेज नंबर 174 के ऊपर। अ ट्रेडिशन फ्रॉम पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज अ बिलीवर इज अ ब्रदर टू हिज बिलीवर देयरफॉर दिस इज इट इज नॉट परमिटेड फॉर बिलीवर टू मेक अ प्रपोजल फॉर मैरिज वेयर द प्रपोजल ऑफ हिज ब्रदर इज स्टिल पेंडिंग। यहां बात हो रही शादी ठीक है और हमने इसको एक्सटेंड करके कहां पर हम लिया है हम इसको लेकर के आ गए बिजनेस के अंदर और दूसरी चीजों पर भी हमने इसी सेम एनालॉजी को जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया। हमने कहा कि दैट दिस ट्रेडिशन प्रेस्क्राइब प्रपोजल टू ऑफर टू द सेम पार्टी टिल सच टाइम दैट सिमिलर ऑफर मेड टू दिस पार्टी बाय अनदर पर्सन आर पेंडिंग एंड हैव नॉट बीन रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट और एक्सेप्टेड द अंडरलाइंग काज और इला इज द काजिंग हार्म टू अनदर्स ट्रस्ट। अब देखें इसके अंदर ना कोई जरा सा भी मिलता जुलता केस नहीं है, इसमें हमने एनालॉजी को एक्सटेंड किया है क्योंकि हम बात कर रहे थे प्रपोजल की, प्रपोजल बात हो रही रिश्ते रिश्ता कहाँ रह गया अब हम बात इसको लेकर के आ गए किस चीज के ऊपर। हमने इसी बात को कहा है कि जनाब जब कभी कोई बिजनेस के अंदर किसी तरीके से किसी ने अगर किसी कोई कीमत लगाई है तो जब तक के उसका फैसला नहीं हो जाता आप उसकी चीज की कीमत नहीं लगा सकते। अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट बात हो गई ना
इसमें हमने जो एनालॉजी को एक्सटेंड किया है बाय वे ऑफ आर्गुमेंट्स किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने इला को मैच करने की कोशिश की और हमने कहा कि जनाब वहां पर भी बात क्योंकि हो रही थी कि किसी और के ट्रस्ट को जो है नुकसान ना पहुंचे। दिस ट्रेडिशन डज नॉट मेंशन द हायरिंग ऑफ सर्विसेज और प्रॉपर्टी। देखें यहाँ प्रॉपर्टी की तो वो बात ही नहीं हो रही ना, वहाँ बात हो रही है रिश्ते की, और हमने उसको एक्सटेंड किस चीज पे किया है, सर्विसेज पे और प्रॉपर्टी पे, और अपने जो है वो बिजनेस को एक्सटेंड कर दिया। तो ये हिडन एनालॉजी, ये कयास खाफी में आएगी। और आखिर के अंदर देखें बात हो रही है इंक्लूडिंग द सेल व्हेन द कॉल फॉर द जुमा यानी प्रेयर फ्राइडे प्रेयर इज मेड। अच्छा, कुरान में सूरह जुमा मौजूद है, इसमें लिखा है कि जब कभी भी जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाए तो खरीद फरोख्त बंद कर दो, यानी ये प्रोहिबिशन हो गई, ये सख्ती से अल्लाह ताला का हुक्म हो गया कि आपको जिस तरह से दूसरे अंबिया कराम के टाइम में दूसरी कौमों के ऊपर अल्लाह ताला के अहकाम आते रहे कि कहा कि जैसे हफ्ते वाले दिन आपने शिकार निकलना मत करना मछली का, फिर हजरत जो है वो जुबैर अलैहिस्सलाम की कौम थी जिसको कहा कि आपने जो है ये ऊँटनी है, जब ये ऊँटनी पानी पिएगी तो आप में से कोई भी जो है वो अपने जानवरों को या अपने लिए पानी पीने का नहीं भरेगा उस वक्त। तो उन्होंने क्या किया कि ऊँटनी के जो घुटने काट दिए, और इसका जिक्र है। तो वो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अब मुसलमानों के लिए क्या हुक्म रखा कि आपने जुमे के दिन जब अजान दी जाए तो खरीदो फरोख्त बंद कर दो, और कहा कि आपने जुमे नमाज के लिए आना है ताकि आप जो है वो ये हुक्म जो है ये एक बिल्कुल क्लियर है और इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अभी आप एक चीज आप नोट करें कि अभी हमने क्या किया है कि आज तक तो पहले तो हम करते आ रहे थे कि पाबंदी जनाब जुमे वाले दिन तो जो है वो जुमे की नमाज से पहले ही काम खत्म कर दिया करते थे अपना, या फिर अगर हमें करना होता था तो हम जुमे की नमाज की बात कर रहे होते थे। और ये जो अभी इस वक्त जो हमारे पास सिचुएशन है आप देखिए, जुमे वाले दिन बाजार खुले हुए होते हैं और जब अजान होती है तो कोई भी बंदा बंद नहीं करता अपनी जॉब को, आपने देखा है, नोट किया होगा आपने। तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं आप खुद ही फैसला कर लें। अच्छा, आप यहाँ पर वो बात दूसरी हो रही थी, हम कहीं और चले गए। इंक्लूडिंग इन सेल व्हेन द कॉल फॉर फ्राइडे प्रेयर इज मेड इज प्रोहिबिटेड बाय द टेक्स्ट ऑफ कुरान। द अंडरलाइंग कॉज इज रिड्यूसिंग द इंसेंटिव टू ऑफर अ फ्राइडे प्रेयर। दिस हुक्म कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर कॉन्टेक्ट्स लाइक प्लेजिंग और मैरिज that may have been planned at such a time. अब हमने इसको extend किया है by way of analogy कि हमने कहा कि जनाब अगर खरीद फरोख्त बंद करनी है तो बाकी के काम भी हमें छोड़ने होंगे, यानी ये नहीं है कि हम खाली खरीदो फरोख्त बंद कर दो। लेकिन कुरान में ये बात लिखी है, क्लियर है कि जब तुम्हारे जब जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाए, यानी खुतबे वाली जो अजान होती है, पहली अजान जब होती है जुमे वाली, और खुतबा उसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट समझा जाता है जुमा नमाज, तो उस वक्त क्या होता है कि जनाब उस वक्त हुक्म ये है कि आपने अपना कारोबार बंद कर लिया। तो हमने कहा कि जब हम कारोबार बंद कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम शादी ब्याह वगैरह ऐसी कोई भी तकरीब रखें ही ना जो कि जुमे की नमाज के दरमियान में आती है। तो हमने ये फैसला किया कि अब हम जब भी कोई काम करेंगे, यानी उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही क्या हुआ कि ये डिसीजंस हुए, उसके बाद आने वाले जितने भी खुलफाए राशिदीन थे उन्होंने भी ऐसा ही किया, उसके बाद आज तक ऐसा ही होता आ रहा था कि हम क्या करते थे कि जुम्मे की नमाज के दरमियान में अपना कोई भी बिजनेस नहीं रखते थे, चाहे वो शादी ब्याह हो, कोई तकरीबात हो, कोई भी चीज़ हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई प्लेज हो, कोई भी काम ऐसा नहीं करते थे आज से पहले कि जो जुमे की नमाज जुमे के लिए जो अजान दी जाती है खुतबे की और नमाज जब तक की जमात नहीं हो जाती उस दरमियान में आता, ठीक है, ये हुक्म है और इसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है। अच्छा, आप देखें कि वो उसमें बात हो रही है कारोबार की ना, उसमें बात हो रही है खरीदो फरोख्त बंद करने की, उसमें बात शादी ब्याह की तकरीबात की नहीं हो रही, वो अलग बात है, ये अलग बात है। लेकिन हमने इसमें क्या किया है इसको कि हमने इसमें एफर्ट्स लिए हैं, कंसीडरेशन यानी एफर्ट्स लिए हैं कंसीडरेबल, और इसको हमने बाय वे ऑफ आर्गुमेंट्स इस एनालॉजी को एक्सटेंड किया है। तो ये क्या से खाफी में आ गया हमारी जो आखिरी वाली दो एग्जांपल्स है, ठीक है, इसके अंदर हमने एफर्ट्स लगाए हैं और इसको हमने एक्सटेंड किया है।
अच्छा ऊपर हमारे पास जो केसेस थे हम पढ़ते आ रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि बिल्कुल जो कास्ट थी वो पेरेंट थी और बिल्कुल मैजर, लेकिन इन दीज केसेस हमारे पास जो कास्ट है वो कम मैच हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही, ठीक है। तो इस्तेसान क्या है? इस्तेसान इज द नेम टू प्रेफर द कयास खाफी ओवर द कयास जाली, यानी ऐसा ऐसा काम जिसके अंदर हमें थोड़ी सी एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती हो, थोड़े हमें उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, यानी जो कि कौन लगाएगा? मुस्तहद लगाएगा। मुस्तहद जिसमें मेहनत करके किसी भी चीज को कानून को ड्राइव करके निकालेगा और उसको जो है वो लेकर आएगा, उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये क्या से खाफी है, ये इसके साथ हमारे पास ये है ना, ये रिलेटेड है इस चीज के साथ। इन इट्स सेंस वर्ड इसके साथ मीन्स टू कंसीडर समथिंग गुड। Technically, it defines as the moving away from the implication of analogy to an analogy that is stronger than it, or it is the restriction of analogy by an evidence that is stronger than it, or sacrificing some of the implication of an evidence by way of exception, in so far as the exception opposes some of these implication. From the definition, istisan means performance of stronger evidence over analogy. अच्छा अब ये है क्या से खाफी को हमने जो है कंसीडर करना है ओवर द क्या से जारी। जनरल प्रिंसिपल, जैसे इसमें हमने जनरल प्रिंसिपल कंसीडर किया है और हमने क्या किया कि हमने कंसीडर करके हमारे पास जो कुरान पाक के अंदर प्रिंसिपल आ रहा था वो जनरल प्रिंसिपल था, उसको हमने जो है उसके ऊपर कंसीडर कर लिया। अच्छा अब हमारी क्लास का टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, हमारे पास 5 मिनट्स है, तो आप लोगों को सबको मैं कह रही हूँ दोबारा से अभी हमारी कल की क्लास भी है, ठीक है, कल की क्लास है तो उसकी उसके साथ भी हम लोगों को जो है जाहिर सी बात है उसमें भी जो है हमें डिस्कस करना है, तो आप टॉपिक्स ले आइएगा। अच्छा जिन लोगों को जो है वो, हाँ ये नवाजिश का मैसेज आया हुआ है, ये कह रही हैं कि जिन लोगों को सिलेबस चाहिए, सिलेबस का ये है कि देखें मैं आप लोगों को जो है वो ईमेल कर दूंगी, मुझे ईमेल एड्रेस आप लोग सेंड कर दें, मेरे इसके ऊपर जो व्हाट्सएप का नंबर है उसके ऊपर ईमेल एड्रेस सेंड कर दें, आपका सीआर है मैं उसको सेंड कर दूंगी, वो सबसे शेयर कर लेगा, ठीक है, और वो सेम होगी आपकी जो LMS के ऊपर है, ठीक है, वो सेम होगी। तो जिन लोगों का LMS का पोर्टल ओपन हो रहा है उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को जरूरत नहीं है उसको डाउनलोड करने की या देखने की, लेकिन जो बच्चे जिन लोगों का जैसे ये अभी बात हो रही है कि जनाब ये लिखा हुआ है कि जो इम्प्रूवर्स और फेल्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, तो ठीक है हम उनको फिर ये इस तरीके से दे देंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने कल क्या करना है कि टॉपिक्स लेके आने हैं, हमें उनको डिस्कस करना है, ठीक है, सुन रहे हैं ना आप लोग, पता नहीं क्या हो गया सब लोग ऐसे साइलेंट हो जाते हैं। यस मैम, यस सुन रहे हैं मैम, यस मैम। अच्छा ठीक है फिर कल आप लोग मुझे टॉपिक बताइएगा, सही है जी मैम। हाँ कल हमारी ये इस हफ्ते हमारी जो 2-3 क्लासेस हैं ये सारी की सारी हमारी रिपीटेशन की क्लासेस हैं, इसमें हमने रिपीट करना है ना।